एंड ये टाइटल हमने सुनील शेट्टी सर से ही लिया बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू अस, और वही थे जो जिन्होंने हमें हिम्मत दी फिल्म बनाने के लिए. उन्होंने जब ये हमने जब कहानी उसे सुनाई जब कहानी हम मैंने ऑडियो ने सुनाई सुनील जी को, तो सुनील शेट्टी साहब बोले कि ये बहुत ही डिफरेंट कहानी है एंड बहुत ही मैच्योर्ड फिल्म बन सकती है अगर आप लोग इसमें ध्यान दो तो. और उसने बोला कि आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, 25 साल से इंडस्ट्री में साथ में काम कर रहे हो और आपके आइडियाज़ बहुत मिलते जुलते हैं, तो आप दोनों साथ में मिलकर डायरेक्शन करो एंड आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट फिल्म. जिस तरह के इमोशंस हमने माँ बेटी में दिखाया है वो आज तक ना हॉलीवुड में आया है ना बॉलीवुड में आया है. और इस इमोशंस के साथ हमने एक ऐसी ऐसे इमोशन पे तवज्जो दिया है, वो है ऑब्सेशन. अपनी कि दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से ऑब्सेशन रहता है, चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड को, मदर फादर को, दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट के साथ भी एक ऑब्सेशन रह सकता है. हम तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है हमारी फिल्म को लेकर के कि ये चलेगी चलेगी, पब्लिक अंदर आए, अंदर आकर के फिल्म देखें तो ज़रूर चलेगी ये फिल्म. प्लीज़ ये फिल्म देखें, और अगर पब्लिक ये फिल्म देखेगी तो डेफिनेटली उनको पसंद आएगी. उनको पसंद आएगी तो हमें हिम्मत आएगी और ऐसी इस तरह की अलग किस्म की अच्छी फिल्म बनाने की, इमोशनल फिल्म बनाने की, जिससे पब्लिक को कुछ मैसेज भी मिले और प्लस एंटरटेनमेंट भी मिले. जी, मैं इसमें प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रही हूँ एंड ऑफ अ साइको एंड इट्स अ साइको थ्रिलर. आई चोज दिस फिल्म बिकॉज इट वॉज अगेन चैलेंजिंग. तेरे संग के बाद इमीजिएटली तेरे संग के बाद इमीजिएटली आई गॉट दिस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट विच आई फेल्ट आई कुड डू अ गुड जॉब विद इट. That's it.